हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज जो ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसको पूरा देखने के बाद ना तो कभी नारियल का तेल मार्केट से खरीदेंगे और ना ही नारियल का पाउडर जिससे हम मिठाइयाँ तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 250 ग्राम नारियल लिए है, जो मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था। ये सूखा नारियल है, ये वाला जिसको हम हलवा वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, ये बिल्कुल ड्राई वाला है। इसको भिगो लिया है लगभग 15 से 16 घंटे के लिए। आप साबत लेंगे तो ऐसे बीच में से कट लगा लीजिए, फिर पानी में डुबो कर रख दीजिए। पूरा ऐसे डूबना चाहिए तभी ये भीगेगा अच्छे से। अब हम नारियल है जो इनका छिलका अलग करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। ये तेल इतना प्योर बनेगा कि आप एक बार देख लोगे तो बार बार बनाओगे और मार्केट से नहीं लेकर आओगे। ये इसका टुकड़ा उठाना है और जो इसका ये छिलका होता है इसको हम हटा देंगे। अगर आप बुरादा काम में नहीं लेना चाहते और तेल तेल ही रखना चाहते हैं तो ये छिलका भी हटाने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसका जो पाउडर निकलेगा उसको मिठाई बनाने के काम में लूंगी। इनको छीलने के बाद जो पानी है उसी में डाल देंगे। ये नारियल का तेल बनाने के लिए ना तो हमें गैस की आवश्यकता होगी ना किसी गर्म पानी की, ये आराम से बन जाएगा। ऐसे ही करके हम सारे नारियल को छील लेंगे। सारे नारियल को हमने छील लिया है, ये छिलका है जो अलग निकाल लिया है और जो नारियल है वो पानी में डाल दिया है। अगर आप साबुत नारियल लेते हैं तो साबुत छीलने में ज्यादा आसानी होती है। उसको भिगो दीजिए ऐसे छेद करके और आराम से छील जाएंगे। नारियल जो लेने हैं एकदम व्हाइट ही लेने हैं, क्योंकि तेल एकदम व्हाइट बनेगा और जो हम नारियल का पाउडर बनाएंगे वो भी व्हाइट ही बनेगा। अब इसको साइड में रख देंगे और या तो एक कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे या मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। डायरेक्ट मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ, फिर बाद में मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट बनाऊंगी। ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो मोटा मोटा डालकर मिक्सी के जार में भी पेस्ट बना सकते हैं एक साथ में ही, पर ये तरीका है, ये फटाफट से हो जाएगा। ऐसे हम सारे नारियल को पहले कद्दूकस करेंगे। सारे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और नारियल को उसमें डाल देंगे। आप चाहे तो बड़ा जार लेकर एक बार भी कर सकते हैं, पर मैंने छोटा वाला जार लिया है, मैं 2-3 बार में करूंगी। अब जो पानी में हमने भिगो कर रखे थे नारियल, नारियल को मैंने पहले 2-3 बार अच्छे से धोकर भिगोया था, ये पानी हम काम में ले लेंगे पीसने के। अब इसका नारियल का एक महीन पेस्ट बनाएंगे मिक्सी से। नारियल का फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और एक पतला कपड़ा लेंगे। कपड़ा कलर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कॉटन का कैसा भी आप ले सकते हैं, पर पतला होना चाहिए जिसमें अच्छे से छन जाएगा। ये पेस्ट बनाया जो इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। पूरा पानी है वो बाउल में आ जाना चाहिए। जितना टाइट निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें। मैंने सारे पानी को निचोड़ लिया है और जो नारियल का बुरादा बचा है उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये अच्छे से एकदम मार्केट जैसा बुरादा बन चुका है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। आप मिठाइयाँ बनाते हैं, कुछ भी बनाने के काम में इसको आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह मैं सारे नारियल को पीस कर इसका पानी निकाल लूंगी। बाकी बचे नारियल का भी मैंने पेस्ट बनाकर निचोड़ लिया है, अब इसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचना चाहिए। जो नारियल का बुरादा बचा है ये इसमें डाल देंगे। इस बुरादे से आप कोई भी मिठाई घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप नारियल का बुरादा और तेल मार्केट से नहीं खरीदेंगे, एकदम प्योर घर पर ही शुद्ध बनाएंगे। इसको हम धूप में रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद में आपको दिखाऊंगी। और जो ये नारियल का पानी निकाला है इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जो नारियल का तेल होता है वो ऊपर परत जम जाएगी। मैंने 2 घंटे इसको फ्रिज में रख लिया है और अब जो इसमें नारियल का ऑयल था वो ऊपर आ चुका है और हमारा नारियल का जो बुरादा है वो भी एकदम अच्छा सा बन के तैयार हो चुका है। ये एकदम मार्केट से भी अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम व्हाइट कलर है।
अब जो ये नारियल का ऊपर तेल आया हुआ है इसको हम एक चम्मच से निकाल लेंगे अलग से एक सेपरेट बाउल में। सारे ऑयल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, ये सारा प्योर बन जाएगा। और ये जो पानी बचा है इसको हम चपाती बनाने के काम में ले सकते हैं, चाहे तो बच्चे इसको पी भी सकते हैं। ये कोकोनट मिल्क होता है, सेम वैसा ही लगेगा। इसको मैं धूप में रखती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने नारियल का तेल को ज्यादा धूप में नहीं रखा है, मैंने गैस के ऊपर गर्म करके, जैसे हम घी को गर्म करके निकालते हैं, ऐसे ही निकाल लिया है, क्योंकि धूप अच्छी नहीं है, ये धूप में सही नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने गैस पर गर्म कर लिया, ज्यादा टाइम लगता। अब इसको गर्म करके नीचे रख लेते हैं। अब तेल को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, एकदम पूरा ठंडा नहीं हुआ है। अब हम एक कांच का बर्तन लेंगे जिसमें भी हमें तेल निकालना है। एक छलनी लेंगे, छलनी को गिलास के ऊपर रख देंगे, ये तेल है जो सारा छलनी में डाल देंगे। ये तेल घर पर बनकर बहुत अच्छा तैयार होता है, एकदम प्योर है। आप चाहे तो इसको पराठे बनाकर खा सकते हैं, ये अपने बालों में लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर बनाने के काम में ले सकते हैं, चाय जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। तेल को अच्छे से चम्मच से दबाकर निकाल लेंगे ताकि पूरा तेल जो गिलास में आ जाए। सारे तेल को मैंने अच्छे से दबा दबा कर निकाल लिया है, और जो हमारा नारियल का बुरादा था वो भी एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये 250 ग्राम नारियल में इतना सारा बुरादा बन चुका है और ये तेल भी निकल चुका है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।